नागरिकता संशोधन कानून पर देश की राजधानी दिल्ली के जामिया इलाके में प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार शाम जामिया में काफी प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने 3 बसों में आग लगाई। आग बुझाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं। बसों में आग बुझाने के दौरान ही प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों पर भी हमला बोल दिया, जिसमें 1 फायरमैन को चोटें भी आई हैं। तोड़फोड़ नोएडा से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ आ रही बसों में की गई। कुछ सरकारी बसों में यात्री बैठे हुए थे, तभी अचानक भीड़ लाठी डंडों के साथ पत्थर के साथ हमलावर होती है। कई बसों में आग लगा दी गई, जिसके बाद बाहर खड़े राहगीर भी मौके से भागते नजर आए। कुल मिलाकर दिल्ली के ओखला, जामिया, कालिंदी कुंज वाले इलाके में ये प्रदर्शन हो रहा है। पहले जामिया के छात्रों ने जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर हिंसा को अंजाम दिया, ऐसे आरोप हैं। हालांकि रविवार को जामिया मिलिया प्रशासन ने बयान जारी करते हुए कहा, ये साफ किया कि आज हो रहे प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के छात्र शामिल नहीं। मैं अमानतुल्ला ओखला से विधायक, आज अभी एक टीवी में खबर चल रही है कि अमानतुल्ला की अगुवाई में कुछ बस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर कुछ बसों को जला दिया गया। मैं एक शाहीन बाग में जो सरिता बिहार से यानी कि कालिंदी कुंज से नोएडा की तरफ रोड जाता है, उस रोड पर एक मुजाहिरा हुआ, उस मुजाहिरे में मौजूद था। जहां मैं मौजूद था वहां किसी किस्म की कोई आगजनी की खबर नहीं है, और ये इल्ज़ाम सरासर गलत है कि मेरी अगुवाई में बसों को जलाया गया। 2 मुजाहरे हुए, एक मुजाहरा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर हुआ जो जामिया से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ रोड जाता है जुलैना की तरफ, और एक मुजाहरा सरिता बिहार से जो कालिंदी कुंज यानी कि नोएडा होता हुआ नोएडा की तरफ रास्ता जाता है उस पर हुआ। उस मुजाहरे में मौजूद था, जहां मैं मौजूद था वहां किसी किस्म की कोई ना आगजनी हुई ना अफरा तफरी हुई, बहुत पीसफुल तरीके से वो मुजाहरा हुआ। ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर के आगजनी मेरी अगुवाई में हुआ सरासर गलत है, इसकी मैं मुखालफत करता हूँ। सारे रिकॉर्ड्स वहाँ मौजूद हैं, SHO शाहीन बाग वहाँ मौजूद थे, पुलिस वहाँ मौजूद थी, CCTV वहाँ लगे हुए हैं, मेरी अपनी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं जिस मुजाहरे में था वहाँ किसी किस्म की कोई आगजनी की खबर नहीं है, ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैन साथियों, अभी दिल्ली के कुछ स्थानों पर हिंसा की खबरें आ रही हैं, बसों में आगजनी की गई है, तोड़फोड़ की गई है। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन में यकीन नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की ये ओछी राजनीति का तरीका है, जब भी वो चुनाव हारने लगते हैं ऐसे रास्ते अपनाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/ABP गंगा। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/ABP गंगा।